गाने बनकर अक्षदा पीछो अरे ऐकायला नाही का मोबाइल पीछे लेना है। हाँ तुम बताओ सेंटर किधर है भाई? ये भाई मोबाइल थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे कर। यहाँ पे कितने सारे बाप है ये बताओ, हाथ ऊपर करो। सब 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 बाप है, सब बाप है, सब यहाँ पे बाप लोग हैं। हैप्पी फादर्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ये आज अपुन का दिन, अपुन अपुन मतलब इतना खबर के गेटअप में घुस गया हो ना, अपुन फिर निकले वेरी बैड। निकालो निकालो निकालो, स्विच ऑन स्विच ऑफ। रेडी खा लो, चलो घूम लगाओ। देखिए क्या है ना कि हमेशा मॉम्स को बहुत तवज्जो मिलता है और मिलना भी चाहिए, बिकॉज मदर्स बैकबोन तो मतलब सब सारी बोन्स मदर ही होती है, लेकिन फादर जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं और फादर्स के लिए कोई कुछ करता नहीं है, यू नो, काम बंद कर, और फादर्स को भी चलता है बोले भाई ना हम तो है ना। सो आई फील आज का जो दिन है, और जनरली कहते हैं ना पेरेंटिंग मीन्स टू नॉट जस्ट अ मदर बट अ फादर ऑल्सो, सो आई फील जितना रोल मॉम का होता है उतना रोल एक फादर का भी होता है पेरेंटिंग में। सो टुडेज डे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, और मैं चाहता हूँ ये प्रथा हर साल करें, मतलब धूमधाम से डैड्स को, इतने सारे लौंडे आए यहाँ पर, हाँ ऑल लक्कू, यहाँ पर भी कितने सारे लौंडे आए, हाँ सारे सारे के सारे बाप हैं यहाँ पर, सब के सब बाप हैं यहाँ पर, सारे बाप के बाप है, और आखिर बाप बाप होता है यार। देखिए हमारी आपकी जो जनरेशन है ना वो हमारे फादर के साथ इतने क्लोज नहीं हो पाए, ओके, हम लोग हमेशा डर के रहे हैं, यू नो कि अरे पापा क्या बोलेंगे, एकदम डर के रहो, अभी भी बच्चे डरते हैं, लेकिन अब है ना प्यार बहुत होता है, अब हम फ्रेंडली बहुत हो चुके हैं। एक कोविड के बाद, कोरोना के बाद एक अहमियत पता चली है टुगेदरनेस की, नहीं तो हमेशा क्या होता था कि बाप जाता था काम पे और माँ होती थी घर पे, अब सारी जिम्मेदारी है ना जो आधी आधी बढ़ चुकी है। सो दैट्स व्हाई भाई मैं आपसे आपके पिताजी के लेकर आपको स्पेशल मोमेंट आपके साथ हमेशा है, यू नो पापा बहुत बिजी होते थे शूटिंग के दौरान, बिकॉज मेक अ लॉट ऑफ गुजराती मूवीज, हिंदी मूवीज, तो वो हमेशा शूट पे जाते थे, घर पे खाली मम्मी रहती थी, लेकिन जब भी कोई स्पेशल डे होता था, चाहे बर्थडे हो, चाहे स्पोर्ट्स डे हो, चाहे यू वुड नेवर मिस इवन वन स्पेशल डे, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिमेंबर। और अब तो हम एज फादर्स वी शुड नॉट मिस अ स्पेशल डे, लेकिन अभी आजकल तो हर सारा दिन स्पेशल हो गया। अभी मैं जा रहा था तो मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना, बोला नहीं ये फादर्स डे सिर्फ बापों के लिए है। यार मैं यही कहना चाहूँगा कि यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू गाइज क्या, वी गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एक अपने आप को है ना शोल्डर पे पैट देना चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज फील, हमें हमेशा लगता है कि यार कोई बात नहीं, माँ ध्यान रखने के लिए, हमें पता कि हम जब बाहर जाते हैं काम के लिए, हम और जब बच्चे हो जाते हैं ना, सारी मेहनत और सारा जो फोकस होता है ना वो बच्चों की परवरिश में लगता है, माँ का भी और बाप का भी, और बाप का स्पेशली लगता है, बस वो चुप रहते हैं। सो दिस डे इज फॉर ऑल ऑफ अस, हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक फोटो या फादर्स हां इसके साथ इधर बैठ के माता का बोल रहा है।
वो ध्यान रख रहे भाई सब जन आ रहे बाइक के समय दरवाजा ना खोले क्योंकि म्यूजिक आ रहा है हेलो अरे क्या नथुरा वाली मुछे है तेरे को ना अरे बाप है बाप है जरूर भाई क्या हो अंदर यस 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 आई लव यू गाइस यू गाइस नीड समथिंग आ गया ये हट है यार भी ने अमर भाई मैं क्या कर रहा हूं तू भी आ गया व्हाट यू फील हमने जो बोला था पीस साइड यार हैप्पी फादर्स डे हैप्पी फादर्स डे एक बोल दिन था रे आज का और वजह अभी पियो सर करण भाई को पिला दिए हाथ से घूम हटना नहीं मैं भाई सो हंबल अबाउट ये नया जो बनाया सिल्वर बे ब्लॉग टू शिवम क्या बात है सुपर सुपर सर सर हेलो फिर सर सर यहां पे आप ले लेते हैं जो कि फॉर वन मोर फैन यस यस आप लोगों को ऑफिस मिली थी? यस एक बार और बोल दीजिए ना आगे ले जा रहा हूँ बेटे मैं बैठा हूँ बाद में मेरे साथ ए अनुज भाई हटो जरा बीच में अनुज सर अच्छा पेन नहीं कर रहा आई 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 क्या बात है बाबा भाई आज शाम को है ना मेरा एक एपिसोड आ रहा है पॉडकास्ट का एपिसोड है ऑन डैडी एडवेंचर दिस इज ना डैडी एडवेंचर आज का टेलीकास्ट आज की टेलीकास्ट में लघु की टेलीकास्ट ऐसा क्या पहले बताने का ना एंड आई हैव टू शेयर दिस ही हैज सम द सॉन्ग फॉर हिज सन या आई रोट इट एंड ही sung it is beautiful you must see this episode it is amazing man happy holiday to you थोड़ा हो जाए थोड़ा इधर हो जाए इधर क्यों तेरी छोटी सी दुनिया में सबसे बड़ा तेरा पापा तेरी हर मुसीबत के आगे खड़ा तेरा पापा तेरी मुट्ठी तेरी नन्ही सी मुट्ठी में समा जाए तेरा तू रोए तो तू ही बता कहाँ जाए तेरा स्पेशली चश्मा पहन के आइए आप लोगों के लिए करण सर कार्ड दिखाओ ये सही है ये सही है करण भाई सर सर मेरे साथ भाई भाई कैमरा ये ना हिल मत जो रूट मत बोल और नीचे और पीछे पीछे करते करते भाग ही भरा है ये भाई हिल मत ताकोड़े तेरे पीछे इधर घुसा ट्रैपर देख जरा ऐसे बोल मेरे इधर घुसा एक दो तीन चार भाई कोई बाप है बना नहीं सो
फिर तू खड़े तो अपने इनपुट्स मत देना. सो फर्स्टली आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम हु केम हियर मेड टाइम फॉर देमसेल्व्स. आई थिंक वी लव आवर चिल्ड्रन अ लॉट, वी लव आवर वाइव्स अ लॉट, माय वन. But it's important, I think, to make time for ourselves. So, you know what? I think nobody ever asks what goes in inside the family heart. It's always taken for granted. So, it's just an open question. It's like, as fathers, do we make a difference or are we just bouncing boards? I don't know. You want me to answer that? Yes. I'm the youngest father around, so I can. He actually, Rajesh Thakkar is the oldest father and the youngest father. So, no, but thing is, you have to earn it. That time also you have to find an equation. But then at that time you are at loss yourself. You also don't know. But mothers don't have to own it. They are born with it. Yes. So I agree. I think our roles change around. पहले क्या था जब पैंडेमिक से पहले डैड हमेशा ऑफिस जाता था, काम नहीं करता था, बच्चे को ऐसा उठता नहीं देता था, ऐसा उठता नहीं सोना. हाँ वो सोता है ना, जब घर आते तो बच्चा सोना है, सिर्फ संडे को रहता था. तो बाप दोस्त तब बनता है, उसका उनका काम तब आता है जब आगे की एडुकेशन आती है, नौकरी, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, तब वो जाता. तब तक वो मॉम और बाकी फैमिली को, मतलब इनडायरेक्टली बच्चों को सपोर्ट कर रहा. बट आफ्टर द पैंडेमिक हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ ऑलरेडी उससे जितना नॉर्मली लोग 18 साल में टाइम स्पेंड करते हैं, कई बार 4 सालों में उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ. ये हम ऑफिस नहीं जाते, हम लोग मम्मी की तरह रहते हैं. तो जो मम्मी के साथ बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग आप मेरे बच्चे की मेरे साथ की है, मतलब उतनी नहीं बट उस किस्म की जो पहले नहीं थी. तो आई डोंट थिंक जो हमारा सपोर्टिंग कास्ट था, अभी वो सपोर्टिंग कास्ट में बढ़ के मेन लीड में धीरे धीरे आ रहे हैं. हो गया. बट मदर्स वॉच आउट, ये मदर्स वॉच आउट डैड से. गुनाल, व्हाट डू यू थिंक मैन, यू आर अ यंग डैड टू. वेल, पैंडेमिक में और उसके पहले, आई थिंक इससे पहले मैं बहुत काम कर रहा था. तो उसके बाद जैसे ही कोविड आया, बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं ही उसकी माँ हूँ. एंड नाउ ही इज सो कनेक्टेड टू मी, सो लाइक क्लोज टू मी. अभी भी मैं बाहर निकलता हूँ तो इज लाइक कि आप जाओ लेकिन ना जल्दी से वापस आना. सो यू नो दैट इम्पोर्टेंस व्हेन यू, तो यू फील दैट कि यस यू आर देयर एंड यू हैव ओन, यू हैव ओन अर्नड इट, यू हैव ऑल दीस इयर्स. यू नो द डिफरेंस इज दैट लाइक आई मीन व्हेन लिटिल मदर गेट रेडी एंड लाइक यू नो आई सेल्फ ओपन दैट शूज. अब वो पापा के साथ ही शुरू हो गया. So, celeb life is no different from a regular life. Vijay, Vijay runs India Forums. Okay, he is the owner of India Forums. Saurabh, he is an investment banker. So, इनकी भी जानकारी लेते हैं. As a normal dad, what do you guys do? Is it the same feeling like what we all have? I think now the lines of like mom role and dad roles are getting blurred. You know, like we all both take care of the kid the same way. Yeah, it's not like it's your, you have to earn and you have to take care of the kid. It's not like that. Both are earning and both are taking care. तो ये मेरी बेटी और इसकी बेटी best friends हैं. रोज सुबह मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ उसको रेडी करने के लिए, और ये भी उठता है. हमारी बीवियाँ जो है वो सोती रहती है. सो हर्ष, ये मेरे राजा बाबू है फ्रॉम शरारत. ओके, सो वी बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ही वाज द फर्स्ट वन हु हैड अ डॉटर. सो रियली आई वांट टू नो दैट, एक्चुअली वाज द फर्दर क्वेश्चन दैट, आर वी जस्ट do we make a difference in parenting, or are we just bouncing bodies? I think all of us here are born to parents, and parenting is something your child teaches you. That's all I know. Oh yeah. Oh, that's so true. Absolutely. Pretty much to that. Any challenging moment that you guys have had with your child? One challenging moment. सुबह उठना, स्कूल तैयार करना. Challenging हो गया.
to know. That's an easy part. That's an easy part. Then the movie saw, like, when they're going, I'm a 5-year-old now. Like, I mean, the things have changed drastically. When we were kids and when we had our kids and the younger ones around, see, their exposure is much bigger. अभी एक उल्टी चीज हो रही है जो सोचते हमारे जमाने में क्या होता है माँ बाप सोचते हैं अंग्रेजी स्कूल में डालो तो मतलब अंग्रेजी सीख जाएगा बच्चा तो वो जरूरी है आज उल्टा हो गया है कि मतलब कहीं से हिंदी सिखा दो कहीं से अपनी लैंग्वेज सिखा दो एंड आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट राइट नाउ यू नो लाइक आई मीन के मतलब मतलब पंजाबी में बात करूँ तो सिंधी में बात करो या हिंदी में बात करो ये क्या बात बोली एक्चुअली फॉरवर्ड I'm a Marwadi or हमारे कल्चर में we would speak in the house Marwadi now everybody speak English but so, now the thing is that like I was never conscious of this fact which I am now you know like you have to instill it in them that they need to learn the language कहीं ऐसा ही मतलब absolutely alien and when they because of exposure to the screen time you know whatever they are watching I mean and they the worst thing they even watching is American cartoon हिंदी वाली दिखाए ठीक है दिखाने की कोशिश करता हूँ हिंदी में भी आता है तो Dad, can you put on Hindu Peppa Pig? Peppa Pig or Hindu banana? So, interesting. We all are young dads out here. One of the oldest. I think the oldest dad is out here. Papa, please. The oldest dad. Now, this is some generation. I think all of us have gone through this generation. Papa, can you come here, please? Please, please. This is one insight. I think all of us would want to have. Papa, you have seen me with my children, huh? And you have been through life with me as your child. क्या difference क्या है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? क्या बोल रहा है? बच्चे होते हैं तो वो अलग चीज़ है। मुझे लगा ये चीज कॉमन होगी क्या अभी नहीं सुनते थे ये भी नहीं सुनते थे नहीं आई थिंक अर्लियर ऐसा था माय डैड नेवर पिक मी अप बहुत मुश्किल से जब इनके पापा मतलब मेरे दादा उनके सामने ले नहीं सकते उनके सामने पिक नहीं कर सकते इमेजिन कि वो तेजी होगी योर ओन चाइल्ड यू कांट पिक अप योर ओन चाइल्ड बोला तो शर्म आती थी आई थिंक वो जो है ना वो मैं मर दूं आई एम द फादर आई एम द यू नो द ओनर ऑफ द फैमिली आई कैन नॉट हाउ कैन आई शो इमोशंस आई थिंक वो पूरा टूट चुका है इतनी खूंखार इमेज है रघु की एज ऑन रोटीज एंड इवन अदर मूवीज दैट इज डूइंग एंड ऑल बट यू हैव टू सी माय द फादर मैन इज द ऑपोजिट इज द मैं आई आई डोंट थिंक मैं अकेला हूं फादर्स आर द बिगेस्ट टॉय ऑफ देयर चाइल्ड लड़का है मेरा तो मैं तो उसके लिए खिलौना हूँ और गेम वो हर चीजें देखता है कि मैं बोलूँ और वो करता ही नहीं पापा और उसका एक हुआ है अबरा डबरा अच्छा मैं ये कर रहा हूँ अब तुम ये अभी उसका मतलब ये है कि मतलब अगर तुम यू वांट मी टू डू ऑल दिस नाउ नाउ ओनली 10 मिनट स्क्रीन टाइम है ना सो आई 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 अपील टू दिस करप गॉड प्राइम टू दोस यू नो यू यू टेल मी राजेश यू आर ईशान कटर्स फादर राजेश यू आर युवान कटर्स फादर राजेश There is a difference of, I think, what, 20, 25 years? I think one leading publication was asking for an interview for the same thing. I was just talking to Harshan Imal outside. No, but I just, okay, yeah, so now, yeah, so there is a lot of difference. What were your father then, and what are your father right now? I was a younger father. So that makes a difference because you yourself, I mean, that was very difficult. Khatman was very difficult.
I had to come to a new city. I was trying to find my own bearings out there. You know, there was a huge struggle happening. And you are trying to find a foothold in your own career. And then trying to raise a family. You know, and but yet, I mean, the common emotion between is that love remains the same. Yeah. You know? And the only difference which comes is that situation, how you handle a given situation changes. You know, that is the change which comes. Like, I mean, you know now, I mean, probably if you, at that time when you're younger, then you are a little more reactive. And as you grow older, you realize that, like, I mean, there are a lot of situations which don't need any reaction. You know, and you can just let it pass. And you see, it's been a very different fatherhood for you. Yeah, it's very different, and it's very, educated for me as well, because now right now handling you one right now is far easier. Call it? No, not at all. I mean, see, there are two different personalities, generational gap, two different personalities. Everything has changed. There's one last question I want to ask. Harsh, please come here. Harsh, इधर आओ नहीं I think ये एक जन्म जन्मांतर का सवाल है but only the people who have the children can answer it. इधर आना है. Father of a son या father of a daughter, what are the challenges? What is that one thing you feel that you want to instill in a son and what do you feel you want to instill in a daughter? I think same thing. You're a father of a daughter. Yeah. What do you? She's cool man. They are technology ke doctor bache hain aajkal. They teach you. They teach you exactly. Yeah. That's what I'm saying. Yeah. They teach you. Yeah. What about you, Saurabh? I think I want her to be very great. Yes. Yeah. Braver than we were. Yeah. Yeah. I think in general, girls in this country have less brave. No, I think less brave, what do you mean to say? They feel more fear, more fearful about more fearful about you. They cannot speak. Yeah. Very more fearful about seeing solar or mujhe ek cheez maloom hai. I mean if you do say ke agar aapka beta hai to aap kya kahenge beta medium mein utarni hai culture being much and it starts from us sir abhi hamare profession mein aap dekh lo har channel ki head female hai. Absolutely. But like everybody, like everything in this entertainment industry, everything is being handled by women right now. I mean, they are the core, right? But the background I come from, हमारे यहाँ पे लड़के हुआ करते थे. मतलब सब भाइयों के मेरे फादर के भाई सब all boys. मैं तो first girl was born to my uncle. There was a huge celebration in our house because they felt ke matlab bhai yahan pe matlab the jinx tuta and then there on it was more like I mean everybody has so I don't see any difference between the two but as a father of a male child all you can do is that you have to just teach them how to respect for women. You're very true. Yeah. Also in today's scenario not fall for the sham also which are coming along with that. You know, we come the sham. So like I mean you have to be very, very careful. But yes, that is one basic thing which you need to understand because if everybody is coming from the polygamy patriarchal kind of society, maybe where father was head of the this thing and mother was all love and affection, father was all discipline and order. Right? Wo to change ho gaya. Wo to change ho chuka hai. लेकिन अब इसमें एक इक्वल वर्ल्ड के अंदर आप इक्वल माने वो मुझे लगता है हमारे आगे वाले जनरेशन उनके लिए नेचुरली होगा हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा ये अल्फा मेल द मेट्रो से फादर ऑफ सन्स व्हाट डू यू वांट इन योर एक्चुअली दुनिया काफी बदल चुकी है फ्रॉम द टाइम दैट वी वर यस राइट अभी द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन my focus is going to be
to get him to decide, to figure out the kind of man he wants to be without all these. External pressure. As a provider, as an alpha man, as a boyfriend, as a son, as an employee, wo pressure uspe har tarike ka aane wala hai. My constant effort is going to be wo pressure hata, 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 hata. Just protect him like that. Let him be a human being. I guess bottom line is just to be you. Yeah. You know, and who are you? Yeah. Where we can play. What about you, man? So, I have a bunch of children who have been playing a lot. I mean, I have a daughter, but I'm not ready yet. I'm going to go on set. Do you have a baby? Very ready. अब वो रेडी थी कि तुम रेडी हो हमने तो सोचा जैसे इसकी तीसरी भी हमने बोला कि चलो इसके ले लेते हैं यार दिल वो तीसरी वाली वो लॉट इन डिमांड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैड या मेल चिल्ड्रन दे वांटेड फीमेल सो यार हमें दिस वाला नहीं है बट यू नो एज जस्ट कंक्लूडिंग दिस आई थिंक व्हाट सॉरो बॉस सेड दैट बिकॉज़ आई एम अ फादर ऑफ थ्री डॉटर्स I want them to be fearless. I do not want to scare them. Kaise mat karna waise mat karna because you know that's what you know we were told and you know and we complied because that's what we knew best. To wo dar ek aur tha. Abhi bhi hai ki you know papa ke samne ye nahi karna papa ke samne wo nahi karna papa you know that. But there was more of a father son relation than a buddy buddy relation. So wahi hai bas mujhe wo fear usme paida nahi karna hai ki matlab jab wo she needs to be brave she needs to be fierce. You wouldn't have to make any effort. It will happen naturally, organically. It's going to happen. Yeah, yeah. They will be brave. Thank you. I need to be brave. Because I'm a father of three daughters, so मेरा यही होगा भाई. एक मेरा एक team आया था. I don't mind to. अभी वो अपने boyfriend को अगर तेरे boyfriend होगा ना, तो उसको ये चार पांच चीजें मैं बोलने वाला हूँ. I don't mind going to jail again. You hurt my daughter, I hurt you. Like 20 earlier. Thank you, guys. Thank you. Yeah. Yes. Yeah.